हे ऑल मै गॉजेस वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और फैमिली के साथ जो है इस फेस्टिव सीजन का मज़ा खूब जम के ले रहे होंगे सो गाइज आज का जो वीडियो है वो मच रिक्वेस्टेड एंड एनओवेटेड है क्योंकि आप लोगों की मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार मीशो का रीसेल हॉल वीडियो लेकर क्या आओ तो आज अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव आउटफिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी योर रिक्वेस्ट इज़ ऑलवेज माई कमांड मुझे ये हॉल वीडियो आप लोगों के लिए ले लेकर के आना ही था सो आई एम हेव बहुत प्यारा कलेक्शन है आज का आपको इसमें बहुत हैवी सूट दिखने को मिल जाएंगे थ्री पीस सेट्स है इसमें ऑलमोस्ट एंड सेमी पार्टी के यू अकॉर्डिंगली भी काफी सारे सेट्स हैं इनके जो डायरेक्ट मीशो लिंस है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो so दैट जो आपका यू नो साइज है आप डायरेक्टली वहाँ से लेना चाहते हो वहाँ से ले सकते हो मेरे पास जो भी साइज अवेलेबल है वो मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी और इनका रीसेल प्राइस जो है आपको ऑलमोस्ट अंडर यू नो सिक्स फिफ्टी का मिल जाएगा सारा ही सारा चाहे मैंने कितने का भी बाय किया हो चाहे वो था उेंड का, हो, 1100 का हो, जो भी रीसेल हो पे होगा तो उनको चेक कर इनको कैसे करना है? नीचे, बॉक्स में रखा है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली है, हो हो। है इंस्टाग्राम किया था बट डेट नेवर आउट क्योंकि उसमें नीचे, नीचे चले जाते हैं तो आपकी बार मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया है वहां पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो प्रोडक्ट का सिंगल प्रोडक्ट्स ही हैं सो बी क्विक जितनी जल्दी आप मुझे यू नो ऑर्डर प्लेस करते हो फटाफट वो सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे अदरवाइज ही जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं डायरेक्ट मीशो से ले सकते हो क्योंकि वहाँ पे अभी इन सबका पूरा पूरा स्टॉक है यू नो ऑल साइजेज एंड लाइक एवरी सारे शेड्स uh, पूरे इंडिया में थ्रू आउट फ्री शिपिंग रहेगी चाहे आप कितने भी प्रोडक्ट्स ले लो वन टू थ्री फोर लाइक वॉट एवर द नंबर विल भी आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैं आपको वीडियो में बता दूंगी तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा इसके बिल्कुल भी मत करना शेयर जरूर करना क्योंकि तो इस तरह के रीसेल हॉल वीडियोस बहुत सारे लोगों के लिए उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं एंड लाइक और कॉमेंट करना ताकि मुझे वो और भी ज्यादा मोटिवेट करे इसी तरीके की जल्दी जल्दी यू you नो know, रीसेल हॉल वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करने को एंड ऐसा ही आप यू you नो know, अच्छा ट्रेंडिंग अफोर्डेबल कलेक्शन इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा स्ट्रॉग बनाइएगा अब चलिए जल्दी से चलते हैं ब्यूटीफुल सा हॉल पिटारा चेक कर सो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है कुछ इस तरीके का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंप्लीट थ्री पीस सेट यहाँ पे आपको ये बहुत ही प्यारे से पिंक कलर के विस्कॉट सिल्क फैब्रिक में मिल जाएगा इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है कुछ ऐसा यू नो बैंड कॉलर दिया हुआ है आपको जिसमें यहाँ पे पैच पे आपको ये पूरा सीक्वेंस और जरी का वर्क है इसका लुक कुछ इस तरीके से हो जाएगा मेरे पास इसका लार्ज साइज है प्राइस यहाँ पे मैंशन किया हुआ है पसंद आता है अपना साइज आप अकॉर्डिंगली मीशो से भी परचेज कर सकते हो थ्री फोर्थ स्लीव में आपको ये पूरा सीक्वेंस का और जरी एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा सो so, इसका कंप्लीट लुक कुछ ऐसे है स्ट्रेट फिट का कुर्ता है बहुत परफेक्ट इसकी फिट है एंड ये नीचे आपको पूरा सॉलिड शेड में मिल जाएगा कुछ ऐसे लाइट पिंक कलर का फ्रंट पोर्शन में आपको नीचे से ये पैच मिल जाता है अंडरनीथ कंप्लीट इसमें हमको मिली हुई है लाइनिंग सो so, ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं होगा एंड एक चीज़ और ऑर्गाइज मैं इनका आपको ना ट्राई ऑन नहीं दिखा पाऊंगी हाँ इन सभी प्रोडक्ट्स के जो स्क्रीन शॉट्स है वो मैं यहाँ पे कहीं पर प्लेस कर दूंगी क्योंकि इस टाइम यू नो द टाइम इज़ रनिंग लाइक एनी मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड पर मैंने आप लोगों के लिए रीसेल हॉल वीडियो लेकर के आया है सो प्लीज बेड दिस टाइम यहाँ पे स्क्रीन लगे हुए हैं सारे ही प्रोडक्ट्स के उससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि इसका कंप्लीट लुक कैसा है यहाँ पर पीछे से आपको ये पूरा का पूरा जो है सॉलिड पिंक कलर का मिल जाएगा इसके साथ जो बॉटम वेयर मिला है हमको वो सेम uh, फैब्रिक का है सेम शेड का सेमी इलास्टिकेटेड रहेगा ये आगे से बेल्टेड है पीछे से इलास्टिकेटेड आसन इसका बहुत अच्छा है और यहाँ पे आपको वन साइड पॉकेट मिल जाएगी इसमें बहुत अच्छी डेथ में रेगुलर फिट का पैंट है और इसमें आप नीचे से देख सकते हो कुछ इस तरीके का सेम पैच वर्क आपको मिल जाएगा सीक्वेंस का और जरीवर्क का जो की पूरा आपको ना ये पैच है अंडरनीथ आपको कुछ भी नहीं छुपेगा तो ये हो जाता है इसका बॉटम वेयर साथ में आपको जॉर्जेट का दुपट्टा मिलेगा जो कि लहरिया प्रिंट में है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है आपके काफ़ी सारे कुर्तीस के साथ ये मिक्स एंड मैच हो जाएगा वर्थ आप देख सकते हो इसकी कुछ इतनी रहेगी जो कि स्टिचिंग में है साइड पर आपको ये पूरा यहाँ पे जो है सीक्वेंस का और जरी का वर्क मिल जाएगा पूरा कुछ ऐसे जो कि एकदम नीट एंड क्लीन है बाकी बीच में आप देख सकते हो ये छोटा छोटा आपको बूटा वर्क दिया हुआ है इसमें जरी का और सीक्वेंस का कुछ ऐसा कंप्लीटली ये बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहा है तो इसकी लुक कुछ ऐसे आ जाएगी दुपट्टा तो की लेंथ इसकी बहुत अच्छी काफी है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना ये बहुत ज़्यादा प्रटी लगता है कमिंग बैक टू दी नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ दिस ब्यूटिफुल कंप्लीट कुर्ता सेट आप देख सकते हो कुछ ऐसा है इसका फैब्रिक भी विस्कॉस सिल्क है बहुत प्यारे से आपको ना ये ब्राइट एंड डार्क पिंक कलर में मिल जाएगा कुछ ऐसे फेस्टिवल्स में ये वाला शेड बहुत परफेक्ट लगता है कुछ ऐसा वी नेक है बैंड में आपको ये पूरा यहाँ पे कुछ ऐसा ना ये जरी का और एम्ब्रॉयडरी का सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है ये एंड बहुत प्रटी लग रहा है तो इसका लुक कुछ ऐसे है बाकी ये जो आप छोटा छोटा पूरा ये यू नो जरी का मोटिव देख रहे हो ये पूरे ही कुर्ते के फ्रंट में आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे तो इसका जो फ्रंट लुक है वो कुछ ऐसा हो जाएगा स्लीव इसमें आपको थ्री फोर्थ मिल जाती हैं जो कि एकदम प्लेन रहेंगी बिस्कॉ सिल्क इसका फैब्रिक है तो इसमें आपको एक हल्की सी शाइन भी मिलेगी एंड बैक साइड पर जो है ये आपको पूरा सॉलिड कलर का मिल जाएगा अंदर से आपको इसमें मिल जाती है लाइनिंग जो कि हाफ़ है मतलब आपकी वेस्ट तक आएगी तो ऊपर का जितना भी एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो आपको नहीं चुभेगा तो इसकी लुक जो है फ्रंट में वो कुछ ऐसी है इसका बॉटम वेयर आपको सेम शेड का और सेम कलर का मिल जाएगा जो कि रेगुलर फिट में है आगे से ये बेल्टेड है पीछे से इलास्टिकेटेड रहेगा एंड इसमें आप देख सकते हो एकदम रेगुलर फिट का पैंट है काफ़ी कम्फर्टेबल है इसको आप दिन भर ईजिली कैरी कर सकते हो इसका दोपट्टा गाइज़ और भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये आपको ना ऑर्गैनजा एंड सिल्क मिक्स फैब्रिक में मिल जाएगा जो कि फुल लेंथ एंड व्रथ में है ये देखिए इसका व्रथ कुछ इतना हो जाएगा जिसमें आपको ये वाले टैसल वर्क मिल जाएंगे चारों ही कॉर्नर्स पर कुछ ऐसा और ये इसके बॉर्डर पर ही जो आप गोल्डन गोल्डन देख रहे हो ये पूरा जरी वर्क है ज़री वीविंग वर्क है जो कि एज इट इज़ रहने वाला है और बीच में आपको ये डिजिटल प्रिंट मिल जाएगा तो पूरा दुपट्टा कुछ इस तरीके से है कंप्लीटली ये बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड ग्रेसफुल लगता है पसंद आता है आपको तो ये वाला पीस भी आप डेफिनेटली पिक करना कमिंग टू दी नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ दिस ब्यूटिफुल कुर्ता एंड टेंट टैंट का सेट कुछ ऐसा जो कि ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था 100 परसेंट प्योर कॉटन में आपको ये मिल जाएगा ये देखिए आलिया पैटर्न में है ये इसका लुक कुछ ऐसे है फ्रंट में आपको ये वाला पूरा पैच डिटेलिंग मिल जाएगा जिसमें ये वाला वर्क है फॉल्स मेरका और एम्ब्रॉयडरी का इसका लुक कुछ ऐसे है यहाँ पर आपको ये पूरा फ्लोरल पैटर्न देखने को मिल जाता है जो कि फैब्रिक प्रिंट है आप इसको ईजीली वेयर कर सकते हो एंड घर पर हैंड वॉश कर सकते हो तो इसका लुक कुछ ऐसे है थ्री फोर स्लीव हैं इसमें यहाँ पर भी आपको सेम यही पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी फॉल्स uh, की एंड एम्ब्रॉयडरी की और बेस्ट तक ये परफेक्ट फिट है उसके बाद आपको इसमें ये पूरा प्लीटेड यू नो पैटर्न मिल जाएगा इसका घेर भी बहुत अच्छा है एंड इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी है दोनों ही साइड स्लिट्स में आपको ये डोरी मिल जाती है दोनों तरफ दो दो ये देखिए कुछ ऐसे जिसमें बहुत ही प्यारे से आपको सेम फैब्रिक के ये लटकन दिए हुए हैं कुछ ऐसे एंड बैक साइड पर आपको ये पूरा इस तरीके से जो है फ़ैब्रिक प्रिंट में मिल जाएगा इसके कलर कॉम्बिनेशन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए एंड ये वाला कुर्ता सेट काफ़ी वायरल हुआ था इसका जो बॉटम वेयर है वो भी सेम फैब्रिक का है और सेम मल्टी कलर फ्लोरल प्रिंट में ही आपको ही मिलेगा ये फुली इलास्टिकेटेड है ये देखिए कुछ ऐसा इसमें आसन आपको बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है एंड इसमें पॉकेट जो है आपको वन साइड पॉकेट मिल जाएगी अच्छी डेप्थ में एंड ये देख सकते हो एकदम रेगुलर फिट का कंफर्टेबल फिट में यू नो आपको ये पैंट मिल जाता है बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल है एंड इस टाइम तो ये मीशो पर भी सेल में जो है ना बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है तो अगर आप वहाँ से परचेज़ करना चाहते हो अपना साइज आप वहाँ से भी ट्राई करके देख सकते हो ना नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये ब्यूटिफुल सा कॉट सेट शेयर करती हूँ मैं अभी आपके साथ कुर्ता और पैंट का सेट ये वाला सेट दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड जानस्या कि आपको अमेजोन मिंत्रा एंड मीशो पर भी मिलता है बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल हंड्रेड परसेंट कॉटन फैब्रिक है इसका ये देखिए कुछ ऐसा है ये राउंड नेक है इसका यहाँ पर आपको ये पूरा प्लीटेड पैटर्न दिया हुआ है कुछ इस तरीके का आपको इसमें प्रिंट मिलेगा एंड दिस इज रियली वेरी एलिगेंट इसको आप यू नो कॉलेज में ऑफिस में डेली वेयर कई यू नो कैजुअल आउटिंग्स में जा रहे हो तो बहुत डिफरेंट लगता है तो कुछ इस तरीके से इसकी लुक आ जाएगी स्लीव इसमें थ्री फोर्थ है जिसमें आपको ये प्लीटेड पैटर्न दिया हुआ है एंड काफी गर्ली लुक देती है इसकी स्लीव को बहुत प्यारी लग रही है ये और ये एक कुर्ता है जिसमें आपको घेर भी मिल रहा है वेस्ट तक एकदम परफेक्ट है फिट इसका आई मीन एंड यहाँ पे आपको साइड में जो है ये डोरी दी हुई है कुछ ऐसे तो आप इसको जब टाइप करते हो तो ये एकदम परफेक्ट फिट लेगा और नीचे आप देख सकते हो इसका इतना फ्लेयर है और ये पूरा एसिमेट्रिकल है बहुत प्रटी लगता है ये इसका स्क्रीन शॉट में आ लगा दूंगी तो आप देख लेना इसको बाकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि जानासा का है एंड यू कैन लुक एट द प्रिंट कि कितना ज्यादा ये ग्रेसफुल लग रहा है तो ये है गाइज इसका कुर्ता इसके साथ जो हमको बॉटम वेयर मिला है वो भी हंड्रेड परसेंट कॉटन का है सेमी इलास्टिकेटेड आगे से बेल्टेड है पीछे से इलास्टिकेटेड रहेगा इसमें आपको यह लाइन पैटर्न मिल जाएगा और आप देख सकते हो कि एक रेगुलर फिट का पैंट है बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है यार ये वेयर करने पर इसकी क्वालिटी अमेजिंग है जाना सा है तो आप समझ ही सकते हो कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी तो आप इसको भी जरूर ट्राई करके देखिए नेक्स्ट कुर्ता पैंट का जो सेट है वो कुछ ऐसा है ये भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ हंड्रेड कॉटन फैब्रिक में आपको मिलेगा कुर्ता देख सकते हो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे आपको ये राउंड नेक मिल रहा है हल्की सी स्लिट के साथ फ्रंट में पैच है जिसमें पूरा प्रिंट दिया हुआ है कुछ ऐसी आपको लेस डिटेलिंग मिल जाएगी वाइट कलर की और इसका लुक कुछ ऐसे होता है पूरा लीफ का जो है इसमें आपको एब्रैक्ट प्रिंट मिलता है जो कि इसको एक बहुत डिफरेंट लुक देता है कुछ इस तरीके से इसकी लुक आ जाएगी स्लीव इसमें आपको थ्री फोर्थ मिलती है जिसमें आपको क्रोशे का जो है लेस डिटेलिंग और यहाँ से ये पैच डिटेलिंग मिल जाएगा तो ये भी काफ़ी प्रिटी लग रहा है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कुछ ऐसा है ये ए लाइन में वेस्ट तक एकदम परफेक्ट फिट है और उसके बाद आपको इसमें ये पूरा प्लीट्स मिल जाएंगी यहाँ पर एंड बाय द वे इसके दोनों ही साइड्स पर आपको ना पॉकेट मिल जाती है अच्छी खासी डेर में ये देखिए ये इसकी राइट साइड पॉकेट है एंड देन दूसरी साइड पे भी आपको इसमें जो है पॉकेट मिल जाएगी तो आप ना फोन वगैरह कैरी कर सकते हो ना नीचे आप देख सकते हो इसका फ्लेयर कुछ इतना है हल्की सी स्लेट है और इसकी लेंथ बहुत अच्छी है ओवरऑल ये वेयर करने पर काफ़ी अच्छा लगता है इसकी लुक कुछ ऐसी है फ्रंट से एंड बैक साइड पर आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा कंट्रास्ट में इसके साथ जो बॉटम वेयर मिला है वो कुछ इस तरीके से है ये भी हंड्रेड परसेंट कॉटन पे है फुली इलास्टिकेटेड है ये ये देखिए कुछ ऐसा एंड इसमें आपको जो है पूरा ये वाला यू uh, नो you know, प्रिंटिंग पैटर्न मिल जाएगा इसको आप घर पे मशीन वॉश कर सकते हो ईजी हैंड वॉश वाला है इसका फैब्रिक एंड ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है नीचे आप देख सकते हो सेमी प्लाजो स्टाइल में है तो अगर आपको दिन भर वेयर करने के अकॉर्डिंगली कुछ लेना है डू चेक इट आउट मीशो पर ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर यह अभी मिल रहा है मैं जल्दी जल्दी टैपअप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और क्या कहते हैं आप भी बोर ना हो जाओ इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट यार आप लोगों के साथ मैं ये वाला शेयर करूँगी जो कि बहुत प्रटी है कम्प्लीट सेट है ये और इसको आप किसी भी ओकेजन में कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो ये मैंने मीशो से लिया था और ये भी काफ़ी वायरल हुआ था ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर वी नेक है फ्रंट में आप देख सकते हो पूरा आपको ये हैवी एम्ब्रॉयडरी का और ये पूरा फॉर्सुलर का डिटेलिंग मिल जाएगा और ये बहुत प्रटी लगता है जस्ट लुक एट दिस कुछ ऐसा का लुक आ जाएगा स्लीव्स आपको इसमें मिल जाएंगे ऑलमोस्ट फुल स्लीव्स जिसमें कि ये वाला आपको वर्क दिखने को मिलता है ये देखिए पूरा पैच है जिसमें वर्क की डिटेलिंग है एम्ब्रॉयडरी वर्क है और ये क्रोशे का लेस डिटेलिंग दिया हुआ है बाकी ये वाला जो आप प्रिंट देख रहे हो फ्लोरल प्रिंट ये पूरे ही कुर्ते पे एज इट इज रहने वाला है सो so, इसका लुक कुछ ऐसे है इसमें लाइनिंग जो है आपको बस्ट एरिया तक मिलेगी क्योंकि नीचे से सेम शेड का आपको इसमें बॉटम वेयर मिल रहा है ठीक है तो यहाँ पे बस्ट एरिया के बाद आपको ये स्टिचिंग में मिल जाएगा और फ्रंट में आपको ये स्लिट मिल जाती है रेस्ट आपको ये पूरा फैब्रिक प्रिंट मिल जाएगा इसमें कुछ ऐसा बहुत ही प्रिटी एंड ब्रेसफुल लगता है और नीचे घेर में जो है आपको ये पूरा क्रोशे का लेस डिटेलिंग एंड पाइपिंग वर्क मिल जाएगा तो इसकी लुक जो है वो कुछ ऐसी हो जाती है पूरी आप फ्रंट में देख सकते हो फैब्रिक इसका फॉक्स चार्चट है जो कि बहुत सॉफ्ट एंड फाइन है पीछे से आप देख सकते हो सेम यही शेड आई मीन I mean, प्रिंट में आपको ये पूरा का पूरा वर्क देखने को मिलेगा इसके साथ हमको जो बॉटम वेयर मिला है वो लाइट पीच कलर का है सो ये काइंड ऑफ यू नो एज एन इनर भी यूज़ हो जाता है तो ये बिल्कुल भी सी नहीं रहता एंड इसका जो फैब्रिक है वो है क्रेप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फाइन है ये आप इसको कम्फर्टेबल कर सकते फुली इलास्टिकेटेड है आसन इसमें अच्छा खासा है और इसमें आप देख सकते हो कि ये एक रेगुलर फिट का पैंट है।, है।, है ना इसमें जो हमको दुपट्टा मिला है वो चिनॉन सिल्क का है जो कि ट्राई कलर में है ये देखिए कुछ ऐसा ये वाला प्रिंट मिल जाएगा आपको इसके दुपट्टा पे लेंथ और वेथ इसकी कंप्लीट है ये भी बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लगता है तो अगर आपको ये पसंद आता है ना ये वाला सेट जरूर ट्राई करना क्योंकि दिन में रात में मतलब कोई भी ओकेजन हो ना उसमें वेयर करने के अकॉर्डिंगली ये बहुत तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये वाला बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंप्लीट कुर्ता सेट फैब्रिक है इसका विस्कॉस सिल्क एंड आप देख सकते हो कि ये बहुत ही प्यारे से आपको ना मरून कलर में मिल जाएगा मेडेरियन कॉलर है इसका और फ्रंट में आपको ये पूरा जो है जरी का पैच वर्क मिल जाएगा पोटली बटन की डिटेलिंग के साथ जो कि आपको पूरा नीचे तक जाएगा बट नीचे जो है आपको यहाँ पे स्लिट मिल जाएगी तो इसका लुक जो है फ्रंट में वो हो जाता है कुछ ऐसे से स्लीव जिसमें आपको थ्री फोर्थ मिलेंगी कट डिटेलिंग के साथ इधर भी आपको ये जरी का और सीक्वेंस का जो है पूरा आ, लेस डिटेलिंग मिल जाएगा बाकी इसकी लुक आप देख सकते हो कुछ ऐसे है वेस्ट तक ये फिट है एंड उसके बाद नीचे आप देख सकते हो कि आपको ना ये स्लिट दिया हुआ है यहाँ पर पूरा जो कि बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है नीचे सेम शेड का जो है आपका पैंट आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छा लगता है बाकी पीछे से ये पूरा आपको सेम इसी कलर का मिल जाएगा हल्की सी शाइन है और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका जो बॉटम वेयर है वो भी सेम शेड का है एंड सेम फैब्रिक का है सेमी इलास्टिकेटेड ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आई थिंक यस वन साइड इसमें हमको पॉकेट भी दे रखी है इन्होंने एंड फिट की अगर हम बात करें तो ये एक रेगुलर फिट का पैंट है जिसके नीचे हमको ये पूरा का जो है इन्होंने लेस डिटेलिंग दिया हुआ है कुछ ऐसा इसमें हमको एक स्टोल मिलता है जो कि नेट फैब्रिक का है कुछ इतनी इसकी विर्थ हो जाएगी देखिए कुछ ऐसे एंड इधर हमको ये टैसल्स दे रखे हैं बाकी लेंथ इसकी कंप्लीट है आप देख सकते हो एकदम सिंपल बेसिक दुपट्टा है रेड कलर का जिसमें आपको ये वाली गोल्डन कलर की लेस डिटेलिंग इसकी लेंथ में मिल जाती है दोनों ही तरफ कुछ ऐसी तो फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंगली या फिर आपको यू नो वेडिंग में वेयर करना हो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा पीस है नागर नेक्स्ट जो है एक कॉटन का अनारकली कुर्ता है ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है बहुत ही प्यारा इसका फैब्रिक है एंड ये दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड यश गैलरी जो कि आपको मिंत्रा एमज़ोन मीशो फ्लिपकार्ट आई मीन हर जगह अवेलेबल है और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो इसका लुक कुछ ऐसे है मैंडेरियन कॉलर है इसमें आपको एक पिंक कलर का पाइपिंग वर्क मिल जाएगा बटन डिटेलिंग दे रखी है और ऊपर का जितना आपका यू नो एरिया है इसमें आपको कुछ इस तरीके का प्रिंट मिलता है स्लीव आपको थ्री फोर्थ मिलेंगी जो कि कुछ ऐसी हैं यहाँ पे भी आपको ये पैचवर्क मिलेगा और ये जो बड़ा वाला फ्लोरल प्रिंट आप देख रहे हो ये एक्चुअली में कुर्ते का जो है बेस प्रिंट है तो इसकी लुक फ्रंट में कुछ ऐसी है वेस्ट तक ये एकदम फिट और उसके बाद आपको इसमें मिल जाएगा कलीदार घेर जो कि कुछ ऐसे वाले प्रिंट में है और उसका फ्लेयर बहुत अच्छा खासा है ये देखिए कुछ ऐसा नीचे आपको ये पूरा अंदर से जो है इन्होंने कुछ ऐसा हेम दिया हुआ है पिंक कलर का तो ये भी काफ़ी ब्रेटी लगता है बैक साइड पर आपको ये ऐसे मिलेगा ये देखिए तो इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड देन इसका जो लेंथ है ना वो बहुत अच्छा है मेरी हाइट फाइव फोर है उसके अकॉर्डिंगली मुझे एकदम बढ़िया आता है अगर आप इसके साथ बॉटम वेयर पेयर करना चाहते हो तो फूशा पिंक बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है हम लोगों के पास उसको इसके साथ कर सकते हो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है नेक्स्ट मैं गाइज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आ, uh, क्या शेयर करूंगी मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट ये बहुत ही कॉमन है uh, आप लोगों ने इसको कहीं ना कहीं देखा ही होगा इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे मेरे पास ये ब्राउन शेड में है रीसेल में आप लोगों के लिए तो आप देख सकते हो इसकी लुक कुछ ऐसी है राउंड नेक है फ्रंट में इधर आपको पैच मिलेगा जिसमें पूरा यू uh, नो you know, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का वर्क रखा है ये गोटा पट्टी की डिटेलिंग है एंड इसका लुक हो जाता है कुछ ऐसे स्लीव इसमें आपको थ्री फोर्थ मिलेंगी एंड इधर आपको ये वाला जो है पूरा पाइपिंग वर्क मिल जाएगा गोल्डन कलर का ये देखिए कुछ ऐसा शेड इसका बहुत प्यारा है ये मतलब हर स्किन टोन के ऊपर बहुत बहुत अच्छे से जाता है और अच्छा है है इसका फैब्रिक भी अच्छा स्ट्रेट फिट का कुर्ता इसकी फिट एकदम परफेक्ट आई है ये देखिए पूरा ऐसे आपको लुक में मिल जाएगा एंड बैक साइड पर आपको ये सेम इसी शेड का मिल जाता है इसके साथ जो बॉटम वेयर है वो सेम कलर का है और सेम फैब्रिक का ही है ये देखिए आगे से ये आ, बेल्टेड है पीछे से इलास्टिकेटेड रहेगा वन साइड इसमें हमको पॉकेट मिल जाएगी और ये है एक प्लाजो जिसकी वर्थ आप देख सकते हो कुछ इतनी है नीचे से हमको ये वाला पूरा पाइपिंग वर्क दिया हुआ इन्होंने कुछ ऐसे एंड इसके साथ हमको कॉन्ट्रास्ट में रॉ सिल्क का दुपट्टा मिल जाएगा जो कि फुल लेंथ एंड व्रर्थ पर है ये देखिए इसकी व्रर्थ जो है कुछ इतनी हो जाएगी जिसमें हमको ये टैसल दे रखे हैं और बीच में आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का इसमें आपको पूरा प्रिंट मिल जाता है हल्की सी एक शाइन है जो कि इसको यू you नो know, एक फेस्टिव लुक भी दे देती है और ये बहुत प्रिटी लगता है तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई करके देखना मेरी तरफ से ये भी हाईली रिकमेंडेड है नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है गाइज वो है ये वाला सा कंप्लीट कुर्ता सेट कुर्ता और पैंट का जो फैब्रिक है वो विस्कॉस सिल्क है यानी काफ़ी प्यारे यू नो लाइट कलर में है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है मतलब क्रीम बेज कलर मुझे बहुत पसंद आते हैं वेयर करने के लिए ज्यादातर मैं यही शेड्स पिक करती हूँ अपने तो आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है राउंड नेक है फ्रंट में आपको ये पैच में पूरा एम्ब्रॉयडरी का और सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा गोल्डन कलर का कुछ ऐसे हल्की सी शाइन मिल जाएगी इसमें जो कि इसको एकदम प्यारा लुक दे देती है स्लीव थ्री फोर्थ है जिसमें आपको ये पाइपिंग वर्क और ये वाला पूरा सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा ये देखिए आगे और पीछे तो इसकी लुक कुछ ऐसी है ना वेस्ट तक ये परफेक्ट फिट है उसके बाद यहाँ पे आप देखो बीच में ना हल्की सी आपको एक गैदरिंग दी हुई है तो इसको एक हल्का सा ना ए लाइन लुक दे देती है ये नीचे आपको ये पूरा सेम ऐसे ही मिलने वाला है एंड बैक साइड पर भी आपको ये सेम इसी फैब्रिक में सेम शेड पे मिलेगा ना इसके साथ जो हमारे पास बॉटम वेयर है वो सेमी इलास्टिकेटेड है ये देखिए आगे से बेल्टेड है पीछे से इलासिकेटेड रहेगा वन साइड इसमें हमको दे रखी है इन्होंने पॉकेट एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसका रेगुलर फिट है नीचे से हमको ये पाइपिंग और सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा कुछ ऐसा दुपट्टा मिलेगा गाइज इसमें हमको कॉटन सिल्क का जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी है फुल लेंथ एंड ब्रर्थ है इतनी इसकी ब्रथ हो जाएगी लेंथ इसकी पूरी है बीच में आपको कुछ इस तरीके का प्रिंट दिखने को मिल जाता है तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये देखिए कुछ ऐसा तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो मुझे ये वाला भी काफ़ी अच्छा लगता है एनी anyway, वेज इसका कलर ही मेरा फेवरेट वाला है तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही डेफिनेटली नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज दिस ब्यूटिफुल कंप्लीट कुर्ता सेट हंड्रेड परसेंट कॉटन में है ये इसका अगर हम कुर्ता देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा राउंड नेक है यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा एम्ब्रॉयडरी का सीक्वेंस का एंड यू नो जरी का वर्क हो रखा है तो इसका लुक जो है फ्रंट में वो कुछ ऐसे है ये वाला पूरा आपको इसमें प्रिंट देखने को मिलेगा स्लीव इसमें थ्री फोर्थ है एंड इधर आपको ये पूरा पैच वर्क मिल जाएगा तो इसका लुक जो है कुर्ते का वो कुछ ऐसा हो जाएगा स्ट्रेट फिट का कुर्ता है इसकी फिट काफी अच्छी है ये देखिए कुछ ऐसा इसका लुक हो जाता है एंड बैक साइड पर भी आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पर मिलेगा इसका जो बॉटम वेयर है वो हमको मिलेगा कुछ इस तरीके के प्रिंट में जो कि बहुत ही सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक में है सेमी इलास्टिकेटेड है ये आगे से बेल्टेड पीछे से इलास्टिकेटेड एंड इसमें आपको ये जिक्जैक्ट पैटर्न मिल जाएगा कुछ ऐसे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम रेगुलर फिट का पैंट है तो ये इसका पैंट हो जाता है ये हो जाता है इसका कुर्ता यहाँ पर हमको जो इसका दुपट्टा दिया है वो हंड्रेड परसेंट कॉटन का है जिसकी लेंथ और वर्थ बहुत अच्छी खासी है ये देखिए कुछ इतनी इसकी विर्थ हो जाएगी एंड इसके बॉर्डर्स में हमको ये वाला प्रिंट देखने को मिल रहा है बीच में हमको ये पूरा इन्होंने जग्जैक्ट पैटर्न दिया हुआ है प्रिंट में फैब्रिक प्रिंट है इस कुर्ता सेट को आप घर पे जो है हैंड वॉश कर सकते हो ये देखिए कुछ ऐसे इसकी लुक हो जाएगी तो ये भी वेयर करने के बाद बहुत प्रटी लगता है डिसेंट लगता है आप इसको भी जरूर ट्राई करके देखना नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता जिसका फैब्रिक है विस्कॉस सिल्क एंड आई थिंक दिस इज द ऑलमोस्ट सिमिलर शेड जो मैंने वेयर किया हुआ है बट ये थोड़ा ब्राइटर साइड पर है मैं सोचा फेस्टिव सीजन से कुछ ब्राइट सा वेयर करके बैठते हैं तो इसकी लुक कुछ ऐसी है यहाँ पे राउंड नेक है हल्का सा लूप दे रखा है आपको यहाँ पे बटन जो है ये फंक्शनल है पैच में आपको ये पूरा थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का और जरी का वर्क मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसे तो ये बहुत प्रटी है स्लीव इसमें आपको थ्री फोर्थ मिलेंगी जो कि बेल स्लीव है लेयर्ड में कुछ ऐसा एंड इसका कलर काफ़ी अच्छा है इसका सिल्क फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है हल्की सी शाइन मिलेगी आपको इसमें एंड ये आपको कुछ इस तरीके की लुक में मिल जाएगा गोल्डन बेज क्रीम कलर के बॉटम वेयर के साथ ये बहुत प्रिटी लगेगा बैक साइड पर आपको ये कुछ सेम इसी सॉलिड कलर में मिल जाता है तो ये कुर्ती भी जो है ना बहुत प्रिटी है आप इसको किसी भी ओकेजन में वेयर कर सकते हो कॉमन शेड का आपके पास जो बॉटम वेयर है वो आप ईजिली पेयर कर सकते हो इसके साथ नेक्स्ट जो है ये प्यारा सा कुर्ता है कुछ ऐसे हंड्रेड परसेंट कॉटन फैब्रिक में मिल जाएगा आपको ये एंड इसकी लुक आप देख सकते हो कुछ ऐसी है राउंड नेक है फ्रंट में आपको ये बटन डिटेलिंग दे रखी है जो कि फंक्शनल है सो so दैट आप इसको ईजिली कैरी कर सको पूरा ये वाला फ्लोरल प्रिंट आपको मिल जाएगा जो कि फैब्रिक प्रिंट है स्लीव इसमें आपको दे रखी है एल्बो स्लीवस जहाँ पे आपको ये वाला पूरा इन्होंने पैच वर्क दिया हुआ है पिंक कलर का कॉन्ट्रास्ट में जो कि बहुत प्रटी लगता है तो इसका लुक कुछ ऐसे हो जाएगा वेस्ट तक ये एकदम फिट है उसके बाद इसमें मिल जाएगा आपको कलीदार घेर और इसका घेर भी जो है वो बहुत अच्छा खासा है ये देखिए कुछ ऐसे नीचे से हमको इसमें पूरी ये वाली जो है पैच वर्क मिल जाएगी जैसे कि इसकी स्लीव में दे रखा था बैक साइड पर हमको ये पूरा ऐसे ही मिलेगा इसकी भी जो लेंथ है मुझे काफ लेंथ आई है बहुत प्यारा लगता है ये पहनने के बाद ऑफिस में वेयर करना है तो काफ़ी अच्छा लगेगा डेली वेयर के अकॉर्डिंगली भी इसके साथ हल्का फुल्का यू नो ऑक्सर्डाइज ज्वेलरी कैरी कर लो एंड यू आर गुड टू गो मेरी तरफ से ये भी जो है रेकमेंडेड है नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूंगी मैं ये वाला कुर्ता जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है इस टाइम मीशो पर हंड्रेड परसेंट कॉटन का कुर्ता है एंड ये बहुत प्रटी लगता है आप देख सकते हो इसका लुक कुछ ऐसे है राउंड नेक है फ्रंट में आपको एक पैच मिलेगा जिसमें ये पूरा प्रिंट और रखा है इधर आपको ये टैसल्स मिल जाएंगे नीचे बहुत ही प्यारे कुछ ऐसे शेल वर्क के साथ एंड इसकी लुक कुछ ऐसे हो जाती है स्लीव इसमें आपको थ्री फोर्थ मिल रही हैं एंड यहाँ पे ये पैच वर्क है बाकी ये प्रिंट आपको थ्रू आउट कुर्ते पे देखने को मिलेगा स्ट्रेट फिट का कुर्ता है इसकी फिट बहुत अच्छी है और गाइज इसको ना डेनिम के साथ वेयर करो अमेजिंग लगता है मतलब ब्लैक कलर के बॉटम वेयर के साथ हो जाएगा ही बट डेनिम के साथ भी बहुत प्यारा लगता है नीचे आप देख सकते हो पूरा ये प्रिंट कर रहा है एंड इसकी जो ओवरऑल लुक है वो कुछ ऐसे हो जाएगी बैक साइड पर भी आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पर मिल रहा है अगर आपके पास कॉन्ट्रास्ट में यू नो रेड कलर का मरून कलर का कोई बॉटम वेयर है उसको भी ट्राई करके देख सकते हो एब्सोल्युटली स्टनिंग कुर्ता प्राइस इज अमेजिंग बहुत अफोर्डेबल है ये एंड क्वालिटी इज टेन ऑन टेन तो ज़रूर ट्राई करके देखना नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगी ये कुर्ता ये भी हंड्रेड परसेंट कॉटन फैब्रिक में है आप इसकी लुक देख सकते हो कुछ इस तरीके से है मैंडेरियन कॉलर है इसमें जिसमें आपको ये बटन डिटेलिंग दे रखी है इधर आपको ये वाला पूरा फैब्रिक प्रिंट देखने को मिलेगा तो इसका लुक कुर्ते का कुछ ऐसे हो जाएगा स्ली इसमें आपको थ्री फोर्थ मिलेंगी फोल्डिंग पैटर्न के साथ इधर भी आपको ये बटन और लूप डिटेलिंग दिया हुआ है तो इसका लुक कुछ ऐसे है एंड ये जो है आपको दोनों साइड पॉकेट्स में मिल जाएगा आप दोनों ही साइड में इसकी पॉकेट है और ये ए सीमेट्रिकल कुर्ता है इसकी लेंथ बहुत अच्छी है नीचे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है इसका फिट रहेगा बहुत प्यारा लगता है वाइट कलर ग्रीन या फिर ब्लू कलर के यू you नो know, बॉटम वेयर के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा पीछे से इसकी लुक कुछ ऐसी है बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट एंड सीशोर नहीं है ये वाइट शेड नहीं है ये बहुत ही लाइट सा जो है टाइल्स ब्लू कलर है ये भी काफ़ी प्रिटी लगता है फैब्रिक इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो अगर आपको ये पसंद आता है इसको भी आप ज़रूर ट्राई करके देखिए सो so गैस ये तो थे सारे कुर्तीज़ एंड कुर्ता सेट्स के ऑप्शन आप मेरे पास काफ़ी सारे यू नो जम्प सूट्स हैं एंड ड्रेसेस बॉटम वेयर एंड टी शर्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस इसके ऑलमोस्ट आपको यू नो कॉम्बोज मिल जाएंगे तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ बॉटम वेयर का कॉम्बो ये है बॉटम वेयर का कॉम्बो जिसमें आपको तीन बॉटम वेयर्स मिल जाएंगे वन टू एंड थ्री तो सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं इसका फैब्रिक है हंड्रेड परसेंट कॉटन और ये आपको सेमी इलास्टिकेटेड मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ड्रॉसिंग एडजस्ट करने के लिए पीछे से इलास्टिकेटेड है एंड इसमें आपको जो है कुछ इस तरीके का प्रिंट देखने को मिल जाएगा जो कि पूरे फैब्रिक में कुछ ऐसा ही रहेगा स्ट्रेट फिट का यू नो पैंट है ये और इसकी फिट बहुत अच्छी आई है आप अपने लाइट शेड के जितने भी यू नो कुर्तीज़ वगैरह हैं उनके साथ इसको मिक्सर मैच कर सकते हो तो ये आप देख सकते हो कि फर्स्ट बॉटम वेयर ये है इसके साथ कॉम्बो में जो दूसरा वेयर है वो आपको मिल जाएगा एक प्लाजो जो कि फुली इलास्टिकेटेड है ये देखिए कुछ ऐसा एंड ये जो है गाइस अभी मैं जो आपके साथ ये बॉटम वेयर एंड टी शर्ट्स शेयर करूंगी ये मीशो से नहीं है ये वारंगा लिबास एंड जो नो बीबा के है जो मैंने मिक्सअप करके कॉम्पोज बनाया लोगों के लिए रीसेल के लिए तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो तो ये देखिए कुछ ऐसा बॉटम वेयर है वाइन कलर का एंड ये पूरा क्रश फैब्रिक में आपको मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसा नीचे आपको इसमें कुछ इस तरीके की डिटेलिंग मिल जाएगी और की तो आपको एक ये पैंट स्टाइल में मिल जाएगा ये है आपका क्रश्ड में पूरा यू नो प्लाजो एंड साथ में आपको ये बॉटम

टी शर्ट्स का यू नो कॉम्बो जो कि बहुत ब्यूटीफुल है सबसे पहली जो टी शर्ट है वो कुछ टॉप है सॉरी वो कुछ इस तरीके से है एंड इसका जो साइज़ है दैट इज़ एक्सेल तो लार्ज वालों को एंड एक्सेल वालों को ये एकदम फिट आएगा ये देखिए कुछ ऐसा है इसका यहाँ पे यह पूरा इलास्टिकेटेड है ये पूरा फ्लोरल प्रिंट आपको दिखने को मिल जाता है एंड दिस इज़ लाइक अ यू नो क्रॉप टॉप ये भी बहुत प्रिटी लगता है डेनिन्स के साथ ट्राउजर्स के साथ वेयर करोगे तो अच्छा लगता है शॉर्ट स्लीव है इसमें जो कि इलास्टिकेटेड है अगेन एंड इसका बैक साइड आप देख सकते हो ये पूरा स्ट्रेचेबल में है दैट्स

आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो तो ये इसका सेकंड टॉप हो जाता है कॉम्बो का थर्ड इज वेरी बेसिक टॉप जो कि कुछ ऐसा आपको ऑफ वाइट कलर का मिल जाएगा इसका रेक्टेंगल नेक है और इसमें स्लीव्स आपको शॉर्ट स्लीव्स मिल जाएंगी और ये पूरा स्ट्रेचेबल है इसमें स्ट्रेच काफ़ी अच्छा खासा है और ये देखिए पीछे से भी ऐसे ही है तो ये हो जाता है आपका तीन टॉप्स का कॉम्बो अगर आपको ये पसंद आता है एंड इफ यू आर इनटू यू नो लार्ज टू एक्सेल साइज आप इनको ट्राई करके देख सकते हो स्ट्रेच में है नेक्स्ट जो है वो है दो ड्रेसेस का कॉम्बो एंड दीज आर रियली अमेजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सबसे पहली जो है हमारी कुछ इस तरीके की ड्रेस है विच इज़ अ मिडी ड्रेस ये काफ़ी प्रिटी लगती है कुछ ऐसा आपको राउंड नेक मिलेगा और ये भी फुल स्ट्रेच में है लार्ज टू एक्सेल साइज तक वालों को ये आ जाएगी तो इसका लुक कुछ ऐसे है शॉर्ट स्लीव हैं इसमें और ये प्रिटी सा पूरा आपको इसमें फ्लोरल प्रिंट दिखने को मिल जाएगा देखिए कुछ ऐसे दोनों ही साइड पर इस पर आपको मिल जाती है पॉकेट जिसमें आप अपना फ़ोन वगैरह कैरी कर सकते हो बाकी आप देख सकते हो इसका प्रिंट जो है पूरा कुछ ऐसे जाएगा पूरी मिरी ड्रेस है एंड ये काफ़ी प्रिंटी लगती है बैक साइड पर भी आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न पर मिल जाएगी तो फर्स्ट ड्रेस है ये वाली एंड देन सेकेंड ड्रेस इज दिस वन इसका जो साइज़ है ड्रेस का मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि इसका साइज़ मुझे क्यों नहीं दिख रहा है यार कहीं पे भी साइज़ मुझे नहीं दिख रहा है बट आई गेस ये वाला जो साइज़ है ना नेक्स्ट ड्रेस जो है वो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे आपको राउंड नेक मिलेगा इधर आपको जिपर मिल जाएगा ताकि आप इसको ईजीली कैरी कर सको लुक इसका ऐसे है शॉर्ट स्लीव में साइड पे आप देख सकते हो ये वाला आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है व्हाइट कलर का एंड आई थिंक ये स्मॉल या फिर यू नो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में होगी ये देखिए कुछ ऐसा इसका लुक आ जाएगा दिस इज़ अ शॉर्ट ड्रेस ठीक है एंड पीछे से भी आपको ये पूरी ऐसी की ऐसी ही मिलेगी सो so आप कुछ इस तरीके की ड्रेस यू नो ट्राई करके देख सकते हो स्नीकर्स वगैरह के साथ ये काफ़ी अच्छी लगती है नेक्स्ट जो है वो है एक कुर्ता जो कि काफ़ी प्रिटी लगता है दिस इज़ हंड्रेड परसेंट कॉटन फैब्रिक इसकी लुक कुछ ऐसी हो जाती है ये देखिए कुछ ऐसे राउंड नेक है यहाँ पे आपको पूरा थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का वर्क एंड सीक्वेंस का वर्क मिल रहा है स्लीव इसमें आपको थ्री फोर्थ मिल जाएंगी एंड वेस्ट पर आपको इधर जो है दोनों तरफ ये डोरी मिल जाती है टैसल वर्क के साथ सो so दैट आप इसको टाई करके एक परफेक्ट फिट दे सको एंड ये जो है राइस पूरा कुछ इस तरह से लुक में है ए है ये देखिए कुछ ऐसा एंड इधर आपको ये टैसल मिल जाएंगे इसके नीचे भी इसके साथ आप व्हाइट ऑफ वाइट कलर का बॉटम वेयर वेयर कर सकते हो बैक साइड पर भी आपको सेम यही प्रिंटिंग पैटर्न मिल रहा है तो ये कुर्ती भी बहुत अच्छी है बिल्कुल भी ट्रांसी नहीं है आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो पसंद आएगी तो आप इसको भी जरूर ट्राई करके देखना नेक्स्ट साइज आपके साथ शेयर करूंगी मैं तीन स्कर्ट्स का कॉम्बो जो कि कुछ इस तरीके से है नंबर वन स्कर्ट ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ये ना सेमी इलास्टिकेटेड मिल जाएगी आगे से बेल्टेड है पीछे से इलास्टिकेटेड है एंड ये वाला पूरा प्रिंट आपको इसकी स्कर्ट में देखने को मिलेगा ये देखिए ऐसे स्कर्ट है लॉन्ग स्कर्ट है ये आपको पूरी नीचे तक आएगी आई मीन फ्लोर लेंथ नहीं है बट यू नो काफ लेंथ भी नहीं है एग्जैक्टली exactly मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट आती है यहां पे आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा ये जो है प्लीटेड पैटर्न में है अंदर से इसमें हमको दे रखी है इन्होंने लाइनिंग तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो एंड देन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है इसके साथ जो दो स्कर्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये मिडी स्कर्ट्स हैं जो कि आप ये एक तो है यू नो सॉलिड कलर में जिसको आप ऑफिस uh, में यू नो कैजुअल मीटिंग्स वगैरह में जो भी आपकी यू नो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं उसमें वेयर कर सकते हो या फिर अपने वैकेशन वगैरह में भी आप इनको ना टॉप टी शर्ट्स के साथ पहन सकते हो तो ऊपर से ये फुली इलास्टिकेटेड है एंड इसका फिट बहुत अच्छा आता है ये देखिए बहुत ही कंफर्टेबल है ये बैक साइड पर आप देख सकते हो कि कुछ ऐसी है हल्का सा स्लेट मिल जाएगा और इसके साथ जो हमको दूसरी स्कर्ट है कॉम्बो में वो है कुछ इस तरीके से जो कि फुली इलास्टिकेटेड है ये एंड इसमें आपको पूरा फ्लोरल पैटर्न मिल जाएगा ये भी मिडी स्कर्ट है कुछ ऐसा एंड बैक साइड पर भी आपको ये सेम इसी पैटर्न में मिलेगी हल्के से स्लिप के साथ बहुत अच्छी लगती है एंड आई थिंक यस इन तीनों का ही जो है साइज़ लार्ज है अगर आपका साइज़ लार्ज है आप इनको ट्राई करके देख सकते हो कॉम्बो में ये आपके लिए मैंने बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट में रखी है ना नेक्स्ट प्राइस मैं आपके साथ ना चार जम्पसूट शेयर करूंगी जो कि समवेयर अराउंड आपको ना ट्वेल्व टू थर्टीन के मिल जाएंगे मिस चेस के हैं ये जो कि आपको मीशो मिंत्रा एंड एमेज़ोन पर अवेलेबल है बट दीज आर फॉर फ्लैट फोर नाइन्टी नाइन रुपीज़ तो आप इनको ज़रूर चेक करना अगर आपको पसंद आते हैं फर्स्ट जम जो है वो कुछ इस तरीके से जो कि बहुत ही सॉफ्ट फाइन फैब्रिक जॉर्जेट में आपको ये मिलेगा स्लीवलेस है ये कुछ ऐसे इसकी लुक है यहाँ पे आपको ये की होल मिल जाएगा एंड इधर ये फ्रिल पैटर्न मिल जाता है स्लीवलेस है ये कुछ ऐसा एंड इधर आप देख सकते हो वेस्ट तक ये परफेक्ट फिट है एंड देन उसके बाद इसमें आपको दोनों ही तरफ जो है पॉकेट से रखी है राइट साइड एंड लेफ्ट दोनों में पॉकेट है यहाँ पर आपको ये बेल्ट दे रखी है इन्होंने सो so दैट आप इसको टाई कर सकते हो परफेक्ट फिट के लिए और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है ये एक्सेल एंड लार्ज साइज़ दोनों को आ जाएगा एंड इसके अंदर जो है इन्होंने कम्प्लीटली हमको दे रखी है लाइनिंग ये देखो इसका लुक कुछ ऐसे है यहाँ पे हमको पूरी लाइनिंग दे रखी है इन्होंने तो ये बिल्कुल भी सीथ्रू नहीं है और इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है मैं इसका स्क्रीनशॉट शॉट यहाँ पर लगा दूंगी अगर आपको पसंद आता है आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना नेक्स्ट जो है वो कुछ ऐसा है ये आपको ना पार्टीवेयर लुक टाइप से मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसा राउंड नेक है यहाँ पे आपको पूरा सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा बहुत ही ब्यूटीफुल से लाइट ग्रीन कलर का है वेस्ट तक ये एकदम परफेक्ट फिट है उसके बाद आपको ऊपर से जो है इसमें ये फ्लैप मिल जाएंगे एंड इसकी लुक जो है वो कुछ ऐसी है ये देखो ऊपर से ये फ्लैप है एंड देन नीचे से पूरा ये इसका प्लाज़ो टाइप्स जो है ना पूरा खुला आ जाता है अंदर से इसमें आपको लाइनिंग अटैच्ड है तो ये भी सी थ्रू नहीं है एंड बैक साइड पर आपको ये कुछ इस तरीके की डिटेलिंग मिलेगा यहाँ पे चेन क्लोजर दिया हुआ है इसके बैक साइड पर बंद करने के लिए एंड शेड इसका बहुत ज़्यादा प्रटी है तो आप इसको भी डेफ़िनेटली ट्राई करके देखिए नेक्स्ट इज़ माई पर्सनल फेवरेट जिसकी फ़िट बहुत अच्छी आती है काफ़ी प्यारे मस्टर्ड कलर में हमको मिल जाएगा एक सेकेंड मैं इसको यहाँ से टाई कर देती हूँ तो आपको इसकी लुक पता लग जाएगी एक सेकेंड या इतने सारे कपड़े दिखाते दिखाते ना मेरी जो तो बैंड बच जाती है एंड देन उसके बाद इनको संभालना भी है भाई साहब इनको यू नो तय करके रखना एंड देन जब आप लोग ऑर्डर्स कर जाते हो उसके बाद इनको पैक करना मतलब बहुत ही कलेश है <laughs> मजाक कर रही हूँ ये देखिए कुछ इस तरीके का बहुत ही सा जो है ये मस्टर्ड कलर में आपको ये मिलेगा क्रिस क्रॉस पैटर्न में कुछ ऐसा वेस्ट तक ये एकदम परफेक्ट फिट है यहाँ पे आपको बेल्ट दे रखी है एडजस्टमेंट ले एंड इसका लुक आप देख सकते हो फ्रंट में कुछ ऐसा है इसका एक पैर जो है वो कुछ इतनी वर्ड्स में आपको मिल रहा है इसमें आपको वन साइड फ्लैप दिया हुआ है कुछ ऐसे बहुत ही प्यारी वाली इसकी गाइस फिट आती है एंड ये बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है बैक साइड पर आपको ये सेम ऐसा ही मिल जाएगा एंड यहाँ पे ना आपको चेन क्लोजर इसका पीछे से दिया हुआ है चेन की क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है यार मिस चेज़ की मेरे पास इनकी काफ़ी सारी नो, मैक्सी ड्रेसेस भी हैं जमसूट्स हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में है और ये पूरा स्ट्रेचेबल फैब्रिक है ये देखिए तो आप ये ले सकते हो इसकी फिट भी बहुत अच्छी है नेक्स्ट जंपसूट सूट जो है वो है ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर में जो कि आपको कुछ इस तरीके की स्लीव की डिटेलिंग में मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसे गोल्डन डिटेलिंग दे रखी है इन्होंने बकल्स की स्लीवलेस है यहाँ पे आपको हल्का सा एक फ्लैप मिलता है इसके फ्रंट पे वेस्ट तक एकदम फिट है और उसके बाद आप देख सकते हो नीचे आपको ये पूरा कुछ ऐसा मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसा है ये पूरा का पूरा एंड दोनों ही साइड पे इसमें हमको दे रखी है पॉकेट फिट इनकी गाइस अमेजिंग एस स्पेशली इनके यू you नो know, जो ये स्ट्रेच वाले फैब्रिक्स है ना ये बहुत प्यारे हैं तो इसका लुक पूरा फ्रंट में कुछ ऐसे है एनी वेज यहाँ पर मैंने स्क्रीन लगाया हुआ है तो आप वो ट्राई कर सकते हो एंड बैक साइड पर इसका इन्होंने क्लोजर दिया हुआ है इधर से जिप का एंड पूरा आप देख सकते हो नीचे तक ये कुछ इस तरीके से जा रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल लगते हैं ये सारे जमसूट्स ये ड्रेसेस तो यस इनके डिटेल्स आप नीचे ज़रूर चेक करना एंड ऑन स्क्रीन भी सबको मेंशन किया हुआ है इसमें से आप जो भी परचेज करना चाहते हो जल्दी जल्दी उनके स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे व्हाट्सएप लिंक पे जल्दी जल्दी शेयर करना नहीं तो फिर आप बोलोगे यार रिप्लाई नहीं करते हो कभी आप बोलते हो कि कुछ अवेलेबल ही नहीं होता सो so मिस बिल्कुल मत करना पहले तसल्ली से पूरी वीडियो देख लो जितने प्रोडक्ट्स चाहिए हो एक साथ मेरे साथ शेयर कर देना ठीक है तो यस ये था आज का आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड मीशो रीसेल हॉल वीडियो इसी तरीके के वीडियोस जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तब तक फैमिली के साथ खूब सारी मस्ती मारो फेस्टिवल्स का खूब जम के मजा लो एंड यस स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ट सिया